मोदी जी का जब जब ग्राफ गिरता है ये अपना हाँ। रंग बदलते रहते हैं, इस तरह के शो चलते हैं कि मोदी वर्सेस कौन। अभी भी विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है और आरएसएस इस बात को मान गई है कि काम किया होता तो 35 से ज्यादा राज्यों में चुनाव नहीं हारते, काम किया होता तो अभी अभी कर्नाटक में मुंह की नहीं खानी पड़ती। 24 के इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए रूबिका दीदी एक डिबेट बुलाते हैं जिसके विषय है मोदी नहीं तो कौन। पर डिबेट में मौजूद आलोक शर्मा रूबिका दलाल को सच का आईना दिखाते हुए हर वो मुद्दा उठाने लगे जिससे मोदी जी की असलियत और भी सामने आ जाए। आलोक शर्मा यही नहीं रुके, मोदी जी के द्वारा परोसा गया झूठ को उस प्रकार से उजागर कर दिया कि रूबिका दीदी की बोलती ही बंद पड़ गई। क्या राहुल गांधी केंद्र बिंदु होंगे? क्या एक चेहरे के तौर पर राहुल गांधी वहां पर मजबूती के साथ लीड करने वाली खबर निकाल कर हमें देंगे कि नहीं, अब वी आर द लीड, आई एम द लीडर वर्सेस मोदी? देखिए, मुझे लगता है लीड करके खबर निकालने वाली बात तो बीजेपी ही ज्यादा अच्छा कर सकती है, हेडलाइंस मैनेजमेंट हम नहीं करते हैं। दूसरी चीज यह है, बीजेपी जिस तरह से तिलमिलाती है, बीजेपी के तमाम मंत्री अपना सब काम छोड़कर माने राहुल गांधी जी के पीछे लग जाते हैं, तो इस बात से तो बीजेपी सर्टिफिकेट देती है कि राहुल गांधी जी ही मेन विपक्ष का चेहरा है। और चाहे वो लैंड एक्विजिशन बिल से लेकर, नोटबंदी से लेकर, राफेल से लेकर, तीन काले कानून से लेकर कोई भी मुद्दा रहा हो, अगर किसी ने अडानी तक पहुंचाना है मुखरता के साथ तमाम मुद्दों को, तो माननीय राहुल गांधी जी रहे। इस बार का चुनाव होगा मोदी सरकार के झूठ, जिनको करिश्मे के तौर पर देश के सामने रखा गया, वर्सेस देश की जनता के 35 रुपए में डीजल और 35 रुपए का डॉलर और गरीबी रेखा खत्म और पता नहीं क्या क्या कौन कौन से वायदे थे। और आज हालत यह है कि देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। ये स्मृति ईरानी साहिबा 410 का जब सिलेंडर था तो सिलेंडर उठाकर यहाँ पर लुटियन जोन्स में घूमती थी, आज क्या है कि एक शब्द नहीं निकलता है, न महंगाई पर, न बेरोजगारी पर, न महिलाओं के विषय पर, न बच्चों के विषय पर। लेकिन राहुल गांधी जी को अटैक करने के लिए जरूर ये तमाम लोग बाहर निकलते हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। लेकिन आलोक जी, क्या तैयारियां हैं और क्या वाकई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आप बना पाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से शुरू कर देते हैं। पीडीपी के साथ सरकार बनाई तो पहला पेज और छठा पॉइंट ये था कि धारा 370 को और मजबूत करेंगे, लेकिन आज की जो चिल्लाहट है कुछ लोगों की, वो बताती है कि माननीय राहुल गांधी जी का ग्राफ काफी बढ़ रहा है। करोड़ों रुपए का एडवर्टीजमेंट खर्च करके मोदी जी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करवाई गई लोगों से, लेकिन मोदी जी का ग्राफ बहुत ऊंचा है। टेली प्रॉम्प्टर के अलावा दो सेंटेंस नहीं बोल सकते, लेकिन मोदी जी का कनेक्ट बहुत अच्छा है। 8,000 करोड़ के जहाज में चलते हैं लेकिन चाय वाले हैं। 2 दर्जन से पार्टियां छोड़कर चली गई उनको, लेकिन मोदी जी का करिश्मा चल रहा है। मणिपुर जल रहा है, उसको रुकवा नहीं सकते हैं, लेकिन यूक्रेन वॉर रोक दिया गया। ये एजेंडा चलाते हैं कुछ लोग और एजेंडा इस तरह से ही चलाया जाता है। और राहुल गांधी के ऊपर आरएसएस और बीजेपी ने हजारों करोड़ रुपया खर्च किया और आज हालत यह है कि देश की जनता त्राही माम कर रही है कि किस तरह से तमाम जो वायदे 2014 से पहले हुए थे उनका क्या हुआ, मोदी जी का चेहरा चमकाने के लिए क्या क्या नहीं किया गया और आगे भी करेंगे। लेकिन आरएसएस समझ चुका है कि अब हिंदुत्व के नाम पर और मोदी जी के चेहरे के नाम पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। गजब बेइज्जती है। देखिए, मुझे लगता है कि अभी भी मोदी जी को गाली अभी भी विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है और आरएसएस इस बात को मान गई है कि काम किया होता तो 35 से ज्यादा राज्यों में चुनाव नहीं हारते, काम किया होता तो अभी अभी कर्नाटक में मुंह की नहीं खानी पड़ती। कर्नाटक में तो जीत के आ रहे थे सब लोग। मुझे लगता है कि तमाम जो पार्टियां छोड़कर गई उनकी अगर स्टेटमेंट को भी बीजेपी सुन ले तो पता चल जाएगा। मैंने नहीं कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी, मैंने कहा कांग्रेस के नेता, कांग्रेस इंपॉर्टेंट है कांग्रेस के लिए। पर आलोक जी, आज तो संघ के बहुत सारे लोग आपकी बलाएं ले लेंगे। आज जो संघ पर आपको प्यार आ रहा है, आज जो संघ पर आप विश्वास जता रहे हैं, ऐसा मतलब संघ वाले आकर आपकी बलाएं ना ले लें? जली ना, तेरी भी जली ना। अरे सुनिए ना भाई, जरा हम तो कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के तमाम लोग कहते हैं योगी आदित्यनाथ मोदी जी से ज्यादा अच्छे हैं। हम नहीं कह रहे, बीजेपी के लोग कहते हैं कि कम से कम वो झूठ तो नहीं बोलते हैं, वो लाल किले की प्राचीर पे खड़े हैं। और जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी तो बिल्कुल महाझूठे हैं, बीजेपी के लोग कहते हैं।